नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई निर्धारित समय पर शुरू हुई, लेकिन यहां परंपराओं के इतिहास में एक परंपरा आज और जुड़ गई। अगर इसे भाव से समझे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिवंगत आत्माओं को और शहीद सैनिकों के शोक प्रस्ताव पढ़ा। खेल मंत्री अनिल विज ने एशियाई खेलों में पदक जीत करके लाने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि इन सभी विजेता खिलाड़ियों को हरियाणा की खेल नीति के अनुसार ही पुरस्कार राशि व नौकरियां प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ पलपल से ये खास रिपोर्ट। सदन प्रवेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: नायक पवन कुमार, गांव छिथरौली, जिला महेंद्रगढ़। सिपाही अतुल कुमार, गाँव भिंडावास, जिला झज्जर। सिपाही धर्मेंद्र सिंह, गाँव डालनवास, जिला महेंद्रगढ़। ये सदन इन वीरों की शहादत पर शत शत नमन करता है और इनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री गोपीचंद गहलोत के भाई श्री ओम प्रकाश गहलोत के 9 सितंबर 2018 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज लेके 18 मेडल हासिल किए हैं। सर, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके नाम भी पढूं ताकि हम सब हाउस की तरफ से उनको मुबारकबाद दे सकें। सर, मनजीत सिंह ने एथलेटिक्स में 800 मीटर में गोल्ड लिया है। नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में जैवलिन थ्रो में, ये पानीपत के हैं, गोल्ड लिया है। अमित ने बॉक्सिंग में 49 किलोग्राम में, रोहतक से हैं ये, इन्होंने गोल्ड लिया है। बजरंग पूनिया रेसलिंग में, ये झज्जर से हैं, इन्होंने गोल्ड लिया है। विनेश फोगाट रेसलिंग में, ये चरखी दादरी से हैं, इन्होंने गोल्ड लिया है। और अरविंदर ने ट्रिपल जंप में गोल्ड लिया है। सर, ये सोनीपत से हैं। सर, संजीव राजपूत शूटिंग में सिल्वर लिया है, ये यमुनानगर से हैं। लक्ष्य श्योरान, इन्होंने भी सिल्वर लिया है, ये जींद से हैं। सीमा पूनिया, ये सोनीपत से हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज लिया है।
और विकास कृष्ण, इन्होंने भी ब्रोंज लिया है, ये भिवानी से हैं। और दुष्यंत रोइंग में इन्होंने भी ब्रोंज लिया है, ये झज्जर से हैं। और अभिषेक वर्मा, ये इन्होंने भी ब्रोंज लिया है, ये पानीपत से है। स्पीकर सर, जो हरियाणा की खेल नीति है सर, उससे आज सारा देश प्रभावित है सर। सर, इन गेमों में जिन्होंने गोल्ड लिया है सर, हरियाणा सरकार गोल्ड लेने वाले को 3 करोड़ रुपया देगी सर, जो कि सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इनाम देने वाला हमारा प्रदेश है। हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि जो कॉमनवेल्थ में जो गोल्ड लेके आएगा आए हैं उनको 3 करोड़ रुपया और HPS या SCS की नौकरी देंगे। उसी प्रकार से जो सिल्वर लेके आए हैं उनको 1.5 करोड़ रुपया और क्लास 1 की नौकरी देंगे, और जो ब्रोंज लेके आए हैं उनको 75 लाख रुपया और बी क्लास की हम उनको नौकरी देंगे। स्पीकर सर, सारे हिंदुस्तान में ये सबसे ज़्यादा इनाम है सर, और इसी की वजह से आजकल, पहले माँ बाप बच्चों को कहा करते थे कि पढ़ खेलने मत जा, अब इनाम की वजह से माँ बाप कहते हैं बच्चे खेलने जा, तू करोड़ रुपया लेके आएगा, 3 करोड़ रुपया लेके आएगा, 6 करोड़ रुपया लेके आएगा। सर, हमने जो ओलंपिक में गोल्ड लेके आएगा सर, स्पीकर सर थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा, जो ओलंपिक में गोल्ड लेके आएगा सर, हमें उनको SCS या SPS की 8 साल की सीनियोरिटी की नौकरी देने का फैसला किया है।